नाउ सेकंड सेम देखो क्या है, सेकंड सेम इज इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई, तीनों रेशो सेम है, देन शो दैट ईच रेशो इज इक्वल टू वन। हमें क्या बताना कि हर एक रेशो का आंसर क्या आता है, वन आता है, ईच रेशो इज इक्वल टू वन। लेट x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। तीनों रेशो के वैल्यू हम लोगों ने क्या लिए, के लिए, राइट। तीनों रेशो के वैल्यू हमने क्या लिए, के लिए, इज इक्वल टू के। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो तीनों को ऐड करो x प्लस वाई प्लस जेड, न्यूमेटर में ऐड किया तो डिनोमेटर में करना पड़ेगा, सो 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू क्या आया, के। नाउ ब्रैकेट ओपन करो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। ये एड जेगा, अभी देखो 3x माइनस एक्स 2x, 2x माइनस एक्स x 1x, राइट। नाउ माइनस वाई प्लस 3y माइनस वाई प्लस 3y 2y, 2y माइनस वाई 1y, राइट। सेम 3z माइनस जेड 2z, 2z माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस, ओके क्या आएगा 1z प्लस जेड, ओके। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों को कट किया, 1 इज इक्वल टू के, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू देखो ईच रेशो इज इक्वल टू k लिया ना, और k की वैल्यू क्या आई, 1 आई है, और ये हमें शो करना था, सो ईच रेशो इज इक्वल टू 1, ये हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया है। सेकेंड में देखो क्या बताया, सेकेंड में बताया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन शो दैट ए प्लस बी अपॉन टू, देन शो दैट ए प्लस बी अपॉन टू ईच रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। नाउ सी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो इनको क्या सबको ऐड किया, ओके यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर भी ऐड किया। अब यहाँ पे देखो ए के जो टर्म्स ना ए एक्स ए जेड ए वाई, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ओके ब्रैकेट में दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखे। यहाँ पे देखो x प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई, जेड प्लस जेड टू जेड। नाउ इसमें से a को कॉमन लिया, a को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, b को कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू कॉमन लिया x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ उसमें देखो ऊपर के इसमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया, ए प्लस बी। नीचे क्या है, टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरा का पूरा ब्रैकेट कट हुआ, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट हुआ, तो बचा क्या, ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू के। ए प्लस बी, ए प्लस टू, सॉरी ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू के, ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी अपॉन टू, क्योंकि ईच रेशो उन्होंने क्या लिया था, के लिया था, और वही हम लोग को प्रूफ कर रहा था, मतलब के एंड ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल, समझ में, ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ किया, राइट डाउन।